उमर रियाज के खेल को लेकर अब राखी सावंत ने दोस्तों एक बड़ी भविष्यवाणी करी है। एक्चुअली ये जो है कहीं ना कहीं राखी जो बाहर से खेल देखकर आई है, जो कि जनता सोचती है ये वही है कहीं ना कहीं। आइए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आखिरकार राखी सावंत क्या बोलते हुए नजर आई हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं तो फॉलो करें, साथ ही साथ फीफा फूज के तमाम ऑफिशियल हैंडल्स को भी फॉलो करें। राखी सावंत राजीव अदातिया से बातचीत करते हुए नजर आती हैं, जहां पर राखी सावंत जो हैं बहुत सारी बातें बोलती हैं और तेजस्वी की बुराई भी चलती है। यहां पर राजीव अदातिया कहते हैं कि उमर रियाज खेल अच्छा खेलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि उमर रियाज खेल अच्छा खेलता है, ये बात बोलते हुए नजर आते हैं राजीव अदातिया। वहीं राखी सावंत ये बात बोलती है कि बहुत अच्छा करता है वो, टिकेगा, एंड तक टिकेगा। जी हाँ, प्रतीक भी टिकेगा, तो राखी यहाँ पर प्रतीक का भी सपोर्ट करती है। तो ऑल यू प्रतीक के फैंस आउट देयर, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अब राजीव अदातिया यहाँ पर कहते हैं कि तेजस्वी प्रकाश का खुद का कुछ नहीं है, जो है सिर्फ करण का है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब एक तरीके से तेजस्वी प्रकाश को टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी प्रकाश का खेल, तेजस्वी प्रकाश की बातचीत, तेजस्वी प्रकाश की सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि राजीव अदातिया ने तेजस्वी को लेकर एक बड़ी बात बोली है। राजीव अदातिया ने ये बड़ी बात रख दी है कि तेजस्वी का कोई खेल नहीं है, तेजस्वी का कोई गेम नहीं है। देखते हैं कि ये बात जब तेजस्वी तक पहुँचेगी तब क्या रिएक्शन होगा, प्लस राखी सावंत ने क्या सोच के किया होगा कि उमर रियाज को किस तरीके से कि वो एकदम आगे तक जाएगा और एंड तक रहेगा। वेल, मुझे भी लगता है कि उमर एंड तक रहेगा और प्रतीक भी एंड तक रहेगा, बिल्कुल रहेगा। सो दर्शकों, कमेंट सेक्शन में जाएं, इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या है कहना। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूस, मुझे इजाज़त दें।